हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंटिफिलिक। तो अभी लैब वैब का काम वगैरह हो गया, आज जो है संडे है। तो अभी हम लोग, मैं, ये देखो नीरज है, ये दोस्त है हम लोग का। तो हम लोग अभी इधर पे अमरनाथ के इधर पे जाँच चल रहे हैं। तो दोस्त को बुलाया था, ये यहीं पर रहता है, सहाड़ में रहता है, विशाल हमारा सहाड़ में रहता है। तो वही अभी अमरनाथ टेम्पल जाने वाले हम लोग। तो मतलब बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, उसका आर्किटेक्चर वगैरह बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा वीडियो मैं कवर करूंगा उसके अंदर, मतलब डिटेल्स वगैरह जो भी रहेगी। तो फिर आपको सीधा अभी मंदिर में ही मिलते हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोग आ गए अभी अमरनाथ टेम्पल। ये पीछे का जो गेट मतलब लग रहा है, यहीं पे है मंदिर, उसके अंदर जाना है हम लोगों को। हम लोग के दोस्तों और हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर का मंदिर वगैरह आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखो, मतलब बैकग्राउंड स्टार्टिंग यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। सो यू स्टैंड इन मूवी। So from here we can take prasad and this is the entry. Entry anti bol rahe hai, nikal do, recording nahi kar rahe। So ye dekho dosto, ye mandir hai। So dosto abhi hum log matlab pair wear wagaira sab jo hai dho lete acche se, fir andar matlab darshan karne jayenge। तो आप लोगों को फिर पूरा प्रॉपर सब चीज़ मैं आगे दिखाऊंगा, सब मतलब स्टोन के अंदर कार्विंग वगैरह बहुत अच्छे से किया है सब चीज़। तो प्रॉपरली सब अच्छे से बताता हूँ, पहले हाथ पैर वगैरह सब चीज़ें वो धो लेते हैं हम लोग। तो ये नीरज अभी पैर धो रहा है, फिर विशाल धोएगा। मंदिर इतना अच्छा कार्विंग मतलब किया है इसके अंदर, और इतना अच्छा बनाया है ना। तो ये देखो दोस्तों, ये प्रॉपर होल मंदिर है। ये बोला है कि पांडवास ने बनाया था, आधे में छोड़ दिया था मंदिर। ऊपर का जो पोर्शन है ना, वो प्रॉपर बना नहीं है, क्योंकि बोल रहे थे कि मतलब पांडवास यहाँ पे आए थे, छुप गए थे मतलब आके। तो फिर जो उनके भाई थे, कौरव थे जो, वो उनको ढूंढने के लिए इधर पे आ गए, तो बीच में छोड़ के वो चले गए थे यहाँ से। तो अभी अंदर जाते हम लोग, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब मंदिर में आप लोग देखे होंगे कि एक नंदी रहता है, यहाँ पे दो नंदी है। नीरज अभी आ रहा है। ये पिलर्स मतलब सपोर्ट करने के लिए ऊपर का सब लगाया है, और मंदिर जो है वो अंदर है, मतलब सीढ़ी गई है अंदर मंदिर के, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है अंदर। तो देखिए अभी आरती चल रही है वगैरह सब। ये एंट्रेंस है और ये भी एग्जिट है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो हम लोग इधर से जाएंगे अभी बाहर। अरे तो पहले हमने ऑर्डर कर दिया था।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी मंदिर है छोटा सा। डिजाइन इतना अच्छा किया है, पेंटिंग्स वगैरह मतलब कार्विंग वगैरह इतना अच्छे से किया है स्टोन्स में। देखिए आपको अंदर भी दिखाता हूँ, देखिए तो ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छे से कार्विंग किया है कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैमरा भी अंदर नहीं जा पा रहा है, ये देखिए तो इन्होंने इतना अच्छे से किया है, पता नहीं कैसे क्या इंटरलॉक मेथड से बनाया है ये मंदिर को। ये देखिए कैमरा भी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इतने अच्छे से कार्विंग किया, अंदर ही डिज़ाइन किया है पूरा। तो दोस्तों अभी पूरा एंटायर मंदिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। और सामने से भी दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा चारों तरफ से पूरा दिखाता हूँ मैं, पूरा फुल मतलब लेंथ का पूरा वीडियो बना मतलब मंदिर दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है पूरा, मतलब अगर दूर से देखेंगे हम लोग तो उसका मैं आपको आगे क्लिप अटैच करता हूँ, तो वो आप देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। और ऊपर जो झंडा लगा है वो भी मतलब फहर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वो भी। तो देखिए पूरा मतलब एंटायर मंदिर जो है बहुत ही मतलब अगर आप इधर पे आओगे तो इतना शांति है और अच्छा लग रहा है। वीकेंड्स में थोड़ा रश रहेगा और महाशिवरात्रि वगैरह में रश रहता है, लेकिन अगर वीकडेज में अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही मस्त है। तो अभी तो आज संडे है फिर भी देखो इतना रश है। तो ये एंट्रेंस है मतलब मंदिर का, यहाँ से एंट्री करना है। तो झंडा देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही मस्त लग रहा है। और एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है प्रॉपरली, ये आधा ही ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो छत है वो टूटा हुआ है ऊपर, तो उधर कंप्लीट नहीं हुआ है वो। तो बोला था जैसे मैं आपको पहले बताया कि पांडवास जो थे वो बीच में मतलब यहाँ से चले गए थे, तो इसकी वजह से मतलब आधे में नहीं छूट मतलब बन नहीं पाया है। बट इतना अच्छा कार्विंग किया है मतलब इसके अंदर स्टोन्स के अंदर कि इतना डिटेल्स में मतलब
सब है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब। तो आप इधर पे विजिट कीजिए, मस्त है एकदम। तो देखिए यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है ये बैठने वगैरह के लिए। महाशिवरात्रि में अगर आप आओगे तो इतना रश रहता है यहाँ पे, बहुत रश रहता है। प्रसाद वगैरह भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है मतलब। स्टेशन अमरनाथ स्टेशन से ही लाइन लगी रहती है आने का। तो ये देखिए सब पंडित जी भी बैठे हैं यहाँ पे, सब धागा वगैरह सब बांध रहे सबको। और ये ऐसे भी देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों ये पूरा मंदिर था, अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, देखेंगे बाहर मतलब और भी चीज़ें हैं घूमने लायक, तो वहाँ पे जाके देखते हैं और क्या क्या है मंदिर के आजू बाजू में। तो ठीक है आगे मिलते हैं, अभी हम लोग आगे देखते जाके क्या पे और क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी आगे जो है माता शेरावाली का मंदिर है। तो देखिए ये माता शेरावाली मंदिर जाने का रास्ता जो है इधर से है, तो यहाँ से जाना है हमें। तो देखो यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो है सब ले सकते हैं। अरे नीरज ये लोग देखो खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ये यहाँ पे। और भगवान रखे, फैमिली ऑफ शंकर भगवान सब है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितना चुनरी वगैरह सब बांधा है सब झाड़ में मन्नत पूरी करने के लिए। देखिए पूरा झाड़ जो है ये पीपल का झाड़ है, ये पीपल का झाड़ जो है पूरा चुनरी से बना हुआ है। देखिए शेरावाला ही माँ का मंदिर है, तो फिर शेर तो जरूर होंगे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे फोटो वगैरह है, जो घर में मतलब थोड़ा फोटो वगैरह खराब वगैरह हो जाता है तो सब यहाँ पे आके सब रख देते हैं, टूट वगैरह जाता है तो। भाई लोग बिजी है फोटो लेने में, मेरे को इंक्लूड ही नहीं कर रहे इन लोग। तो अभी अंदर जाएंगे हम लोग मंदिर के। मंदिर का घंटा है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा जो है आगे देखते क्या है। यहाँ पे तो पीछे ना कुछ है नहीं, एक मूर्ति है जो टूटी हुई है वही रखी है यहाँ पे। और इधर पे जो है ये है मतलब, ये देखिए टर्टल वगैरह है यहाँ पे सब। पानी एकदम गंदा है लेकिन वहाँ पे कछुआ वगैरह जो है वो है यहाँ पे सब, तो यहीं पे रह रहे हैं उन लोग। और यहाँ से मंदिर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मंदिर के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है वो सबसे बेस्ट लग रहा है। दोस्तों ये पीछे जो देख रहे हैं मतलब पहले जो थी नदी होती थी, तो ये नदी के बाजू में से बहता था मतलब पूरा नदी बहता था यहाँ पे, लेकिन अभी पूरा सूख गया है सब चीज़। और मतलब पानी वगैरह भी जो है आगे सब गंदा हो गया है। आगे महाराज बैठे हैं और ये इधर से पूरा नदी जाता था, ये पूरा सूख गया अभी तो, और सूख भी गया क्या पानी जो बहता है ये। कब बहेगी ये फिर? हाँ ये मैं बूढ़ा था, हाँ सब देखता था, अभी वही राह में सोच रहा हूँ कि कब बहेगी, मैं वापस तैरने जाऊँगा नहाऊँगा। हाँ तो ये पूरा सूख गया, अभी बारिश के टाइम पे बहता है पानी, लेकिन वही गंदा पानी जो है वही बैठता है इसमें। तो यहाँ पे इधर पे भी बीच में देखिए एक शिवलिंग है, वहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों आज का ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ विजिट दिस टेम्पल, बहुत ही मस्त है टेम्पल। नीरज आप कुछ बोलेगा? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मस्त है जो इसने बोला विशाल। मस्त टेम्पल है, सब लोग आपके विजिट करो देखो। अच्छा टेम्पल है, कार्विंग वगैरह सब अच्छे से किया है। आइए ज़रा यहाँ पे
विजिट कीजिए। अम्बरनाथ स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट वॉकिंग है। या तो ऑटो भी लोगे तो भी ऑटो से 20-25 रुपये जाएगा जो भी रहेगा ऑटो से। तो फिर आइए टेम्पल में विजिट करिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।